मी फोटोसाठी घेते, त्याला मला विजुअल घेऊ. यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस बार हम लोग इतने लोगों के फ़ोन आ रहे थे सीज़न क्यों बंद किया, क्योंकि पहला सीज़न इतना सक्सेस रहा, तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट तैयारी करके ये दूसरा सीज़न ले आए. और इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने, मैं और बलराज तो हैं ही, साथ में सोमे टंडन है और अपना नेहा पिंड से हैं, दिव्यांश जो हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. वैसे अगर मैं अपनी पर्टिकुलर बात करूं तो जैसे पिछले सीज़न में मैं डबिंग करता था, जो फिल्म स्टार्स आते थे उनके फिल्म के सीन उठाता था, लेकिन इस सीज़न में मैं उनके साथ उन्हीं की फिल्म का सीन रिक्रिएट करने वाला हूं, उन्हीं के साथ मिलके. जैसे अभी संजू बाबा हैं तो मैं सर्किट बन गया उनके साथ, तो बहुत ज़्यादा मस्ती की हम लोगों ने. सवाल जवाब जिस तरह के वो पीजेस मारते हैं मुन्ना सर्किट, वो किया है. करिश्मा कपूर के साथ हमने गोविंदा बन गया मैं, तो उनके साथ बहुत सारी मस्ती की, उनकी फिल्म के जो सीन्स हैं वो किए हैं. और इस तरह से रवीना के साथ संजू बाबा बन गया, हर किसी के साथ इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. और सीन जो हम लोग कर रहे हैं उसका एक अलग मज़ा है. पार्ट वन का भी बहुत अच्छा था. पार्ट वन में भी मतलब अलग अलग सेगमेंट थे, और लेकिन इसमें यह है कि इसमें इंटरव्यू के बीच में हम लोग इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिर गेम्स खेल रहे हैं और उनके साथ मस्ती कर रहे हैं. और मतलब मुझे ज़्यादा मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं जो कैरेक्टर बन के आता हूँ, तो जो साथ में जो कैरेक्टर हैं उनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है. तो मुझे मतलब मेरा जो कंफर्ट जोन है वो मुझे मिल गया है, तो और मज़ा आएगा. मैं ये कहूँगा कि एंटरटेनमेंट की रात एट 9 लिमिटेड एडिशन है, ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और ज़बरदस्त कॉमेडी होने वाली है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाथ जोड़ के विनती है, जैसे सीज़न 1 को देखा है चुपचाप शरीफों की तरह, सीज़न 2 को भी देखिए. और एक लिमिटेड एडिशन है हमारा ये शो. शो का नाम आपने पढ़ा होगा, एंटरटेनमेंट की रात एट 9 लिमिटेड एडिशन. सो 12 एपिसोड का है ये सीज़न 2, और 12 एपिसोड में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो सब कुछ दें आपको, जिससे कि एक पूरा सीज़न भर पेट आपको ह्यूमर और एंटरटेनमेंट मिल सके. सैटरडे संडे रात को 9 बजे कलर्स पे 21 अप्रैल से शुरू होने वाला है. प्लीज़ देखिएगा, ये नया चेहरा है यहाँ पे जो मेरे लेफ्ट में बैठा है, शो में मेरे राइट में बैठा दिखेगा आपको. सो ये लेफ्ट राइट चलता रहेगा हमारा. और आधे लोग खाना मत खाना, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना ह्यूमर से आपका पेट भर देंगे. नहीं नहीं, खाना खाना तुम, हाँ खाना खा के बैठना आराम से. 9 बजे शुरू होगा, 9 से 10 या 10 बजे के बाद भी खा. यार तुमको जो करना है करो, बस टीवी ऑन करके देखो हमको. मैं वन में नहीं था, पार्ट ये वन में नहीं था, ये लाइन में भी नहीं था. एक तो होता है कुछ वन में होते हैं फिर लाइन में होते हैं कि 2 में आएंगे, ये लाइन में भी नहीं था पर ये 2 में है. इसके अलावा सौम्या टंडन है, आप सब लोगों ने उनको देखा, आई एम श्योर देखते होंगे, सुंदर लड़कियों को कौन नहीं देखता. नेहा पेंट से है, ये 3 नए चेहरे हैं शो के अंदर हमारे, और मैं हूँ, मेरा बेटा है दिव्यांश, मुबीन है, हम सब लोग हैं. और सीज़न 2 के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऐड ऑन करी हैं, और कोशिश किया कि कुछ चीज़ें रिपीट ना करके नया फ्लेवर देने की कोशिश करें. है क्या वो एग्जैक्टली आपको देख के पता चलेगा. एक तो लेट आते हैं, ऊपर से घड़ी देखते हैं. ओह माय गुडनेस, लाइक अ लॉट ऑफ मैसेजेस. या तो 21 अप्रैल से शुरू होने वाला है. देखिए बहुत कुछ नया है सीज़न के अंदर, गेस्ट नए हैं,
फर्स्ट एपिसोड हम संजू बाबा के साथ शूट करके आए हैं, आई थिंक और इट्स लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू। आप मुझे आज भी याद है कि ब्लैक में टिकट्स लेके हम लोग फिल्में देखते थे, मेरी उम्र को जज मत करना इस बात से। और संजू बाबा के साथ बहुत हमने बहुत मस्ती मजाक किया है, एक बहुत एंटरटेनिंग एपिसोड बना है। और मुझे लगता है कि इस तरीके का इंटरव्यू, इस तरीके का ह्यूमर उन्होंने इंडियन टेलीविजन पे कभी भी संजू बाबा ने नहीं किया होगा। और हमारे शो की खास बात यह है कि हम खुद कम बोलते हैं, हम सेलिब्स को बुलवाते हैं। नहीं तो अक्सर शोज़ में क्या होता है कि सेलिब्रिटी जाते हैं अपनी फिल्म की इंटीग्रेशन के लिए, फिल्म प्रमोट करने, सामने बैठते हैं कुर्सी पे, शो देखते हैं और लास्ट में ताली बजा के बोलते हैं बहुत अच्छा था, अभी हमारी फिल्म आ गई देखिएगा। हमारे शो के अंदर क्या है, सेलिब्स आते हैं, खुद बोलते हैं वो, हम लोग उनको देखते हैं, हम लोग उनको सुनते हैं। तो इसलिए लोगों को हमारा शो शायद पसंद आया कि इस शो के अंदर कुछ नया ये था कि सेलिब्स बोलते हैं, उनकी रियल लाइफ कहानी के बारे में लोगों को जानना होता है, उनके किस्से के बारे में जानना होता है। जैसे अक्सर होता है ऐसा, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ ना, नहीं अक्सर ऐसा होता है कि जब नहीं बोला ना तो आप यहाँ पे बराबर कर रहे हैं, हम लोग वहाँ सेलिब्रिटी बोल गए, यहाँ हम बोलेंगे। अक्सर क्या होता है ना, जब फिल्म खत्म होती है ना तो हम लोग जो एनजी शॉट्स देखने रुक जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि अरे कैमरा के पीछे कैसी लाइफ है इन एक्टर्स की। तो वो सारी चीजें संजू बाबा ने शेयर की है हमारे साथ, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो पूरा का पूरा स्टैचर है संजय दत्त का, यू सडनली यू नो आपको डर लग जाता है, संजय दत्त आते हैं तो 6'2" का इंसान इतना बड़ा सा, तो आप घबरा जाते हो। बाइसेप्स 1 इंच बड़ी इसकी छाती है। तो जब संजय दत्त जब हमें पता लगा संजय दत्त के साथ शूट कर रहे हैं तो एक अलग तरह का डर था कि भाई एक स्ट्रिंग भाई तुम है ना ऐसा सवाल पूछ लेना चाटा वाटा पड़ जाए, जान वान जा सकती है उस आदमी के हाथ से। बट वेन ही केम ऑन द सेट भाई, जो वाइब और एनर्जी वो बंदा अपने साथ लेकर आता है, ओए होए होए। और अगर अभी ट्रेलर प्रोमो जो हम लोगों का फर्स्ट आया है वो तुम देखोगे, इसका जो पागलपना किया है संजय दत्त ने अलग लेवल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज अ वेरी ऑब्वियसली वी ऑल नो अबाउट संजय दत्त स्टोरी, बट दैट इमोशनल साइड संजय दत्त की खुद की जुबान से और ह्यूमरस साइड भी, हाँ ह्यूमर दिया उन्होंने, बहुत ह्यूमर दिया। सीरियस चीज में भी मजाक ढूंढ लेता है, बहुत ह्यूमर दिया संजय, बहुत जबरदस्त एपिसोड रहा फर्स्ट। इवन फराह खान, तो फराह खान वाला एपिसोड एक्चुअली हमने पहले ही शूट किया था, विच इज माय फर्स्ट एपिसोड। एंड बिकॉज मुबिन और बलराज और दिव्यांश वो लोग पहले से हैं तो उनकी एक कॉमराडरी है आपस में, दे अंडरस्टैंड द क्या है कॉमराडरी, मतलब जान पहचान है, जोक समझते एक दूसरे का, टाइमिंग समझते। और जब मैं आया भाई तो फराह खान पागल कुर्ता उर्ता फाड़ दीस, मतलब बिना कपड़ों के नचाया गया स्टेज पे भाई, ये कोई करता है बताओ। तो ये तो अलग लेवल के दो एपिसोड्स हुए। एंड आई थिंक ये तेरी इंटरव्यू पता कैसे चलेगी, हाँ अभिलाष ने बोला फराह खान को पागल, उतना ही चलेगा बस। बेसिकली ये कहना चाहता है कि फराह खान ने बहुत पागलपन किया इनके साथ, जी मैड टू अ डिफरेंट लेवल, मतलब जबरदस्त फील। राइट यार, मतलब आप तो ये बेसिकली शो में, एक तो क्या है कि जब आप फिक्शन कर रहे हो तो आपको पता होता है कि डायलॉग दूसरा बंदा क्या बोलने वाला है, यार एवरीथिंग इज इम्प्रूव, तो भाई क्या बोलने वाला है और अगला बंदा क्या बोलने वाला है आपको नहीं पता है। सो हम पांचों को नहीं पता हम क्या बोलने वाले हैं, यू कांट रियली प्रिपेयर फॉर इट। तो अगर आप ऑन योर फीट अगर सोच सकते हैं और आप टेक दे सकते हैं तो आप इस शो में रहेंगे, वरना आप साइड में बैठे रहेंगे चुपचाप। एंड दिस टाइम अराउंड, बिकॉज लास्ट सीजन तक बलराज के साथ में रघु बैठते थे, एंड रघु यूज टू बी हिमसेल्फ, एंड यू नो रघु की क्या पर्सनालिटी, हम सब ने बचपन से रघु को देखा है टीवी पर। नाउ सडनली व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस, मैंने कहा भैया मैं खुद तो जैसा हूँ वैसा नहीं रहूँगा, सो वी क्रिएटेड अ कैरेक्टर कॉल्ड क्यूटी पाई शर्मा, भैया बिहारी फ्रॉम मोतिहारी, बहुत क्यूटी हैं, इनके साथ बैठते हैं प्यार से बात करते हैं, अटकाटक चलता रहता है। तो ये माहौल है और ये एक्सपेक्टेशन है कि इस कैरेक्टर से प्यार होगा लोगों को, हाउ दे हैव लव्ड बलराज मुबिन दिव्यांश, आई होप इट जस्ट एक्सटेंड्स द लव एक्सटेंड्स। हाँ करें करें, गरीबों से प्यार होता है भारत की जनता को, तुमसे भी करेंगे, चिंता मत करो। जर्नी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा जर्नी रहा। पहले सवाल को ऐसे में देखो, मैंने ऐसे अवॉइड कर दिया, मैं सीख गया हूँ इंटरव्यू देना। जर्नी बहुत अच्छी रही हमारी, हमने फर्स्ट एपिसोड से जब स्टार्ट किया था, हम लोग ने लास्ट ईयर शूटिंग शुरू की थी, बहुत सारे लोगों को मैं फर्स्ट टाइम मिला था और उन लोगों को मैं बाकायदा मिस करूंगा। राइजिंग स्टार के मैं सेट पे था कुछ टाइम पहले, फिनाले में हम लोग शो की इंटीग्रेशन करने गए थे अपने, तो वहाँ पे रवि को मिले, तो आशा नेगी है, दीपिका कक्कड़ है, करण वाही मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोग क्रिकेट बहुत खेलते हैं एक साथ, रघु भाई हैं, मलिश, सब लोगों को मिस करेंगे। क्या होता है आप जिनके साथ काम करते हो, स्पेशली रियलिटी में
आप कोई कैरेक्टर प्ले नहीं करते हो, आप योर सेल्फ रहते हो, तो आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, तो मैं बहुत मिस करूंगा इन सब लोगों को, और ये सब लोग भी बहुत मिस करेंगे मोटे मोटे चेक्स को तो, बट अच्छा शो बना है, अच्छी चीज़ें हुई हैं, और आई होप आप लोग को पसंद आए। शुरू हो रहा है 21 अप्रैल से सैटरडे संडे रात को 9 बजे कलर्स पे। शो का नाम है एंटरटेनमेंट की रात एट 9 लिमिटेड एडिशन। थैंक यू। ये कहना चाहेंगे कि सीज़न वन को आपका इतना प्यार मिला, ऑडियंस का इतना प्यार मिला, इसीलिए हम सीज़न टू लेकर आ रहे हैं। ऑल्दो सीज़न टू एक लिमिटेड एडिशन है 12 एपिसोड्स का, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आई एम अ पार्ट ऑफ वन एंटायर सीज़न। यूजुअली मैं एज अ गेस्ट आती हूँ जाती हूँ, बट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर सीज़न, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। एंड बाकी सारे एलिमेंट्स तो सेम ही हैं, सेम हंसी मजाक सब कुछ होने वाला है, अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, अ लॉट ऑफ खिंचाई, पागलपन तो पूरा वैसे ही रहने वाला है। जी जी। नहीं, उसके पहले भी मैंने इनके साथ कॉमेडी दंगल, मेरे इस जॉनर में शुरुआत मैंने कॉमेडी दंगल से की थी, तो मेरी सारी तालीम वहाँ हो चुकी थी। अब यहाँ पे आके मैं काफ़ी सेटल हो गई हूँ, बट जर्नी नेवरदलेस बहुत इंटरेस्टिंग रही है। इट्स वेरी टफ, इस फॉर्मेट में कुछ कर पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आप बहुत थक जाते हो एट द एंड ऑफ द डे, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग फीलिंग भी आती है कि आप एक बहुत ही अच्छे सेटअप के एक पार्ट हो, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लोगों ने बहुत पसंद किया, इसीलिए शायद बार बार मौके भी मिल रहे हैं, सो आई होप ऐसे ही पसंद करते रहें। आई थिंक सीज़न वन में मैं मॉडर्न कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं, इसमें मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही ड्रास्टिकली अलग कैरेक्टर में मैं आने वाली हूँ, ऐसे कैरेक्टर में किसी ने मुझे आज तक नहीं देखा है, तो मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एक्सपेक्टेशन यही है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर मैं पूरी उतरूं, उस पर मैं सक्सेसफुली उन्हें हंसाने में कामयाब रहूं और एट ईज़ रहूं। आप जितना ये करते रहेंगे उतना ही आप में एक ईज़ आता है, तो वो ईज़ आना बहुत ज़रूरी है। बहुत कैजुअल अप्रोच में आप अपना काम करके निकल जाओ, आप जब उस लेवल पे आते हो देन आई गेस यू हैव अचीव द लेवल इन दैट जॉनर, सो आई वॉन्ट टू रीच दैट जॉनर, दैट प्लेस। बहुत एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड, घूम फिर के वही हो रहा है ना बार बार। हाँ अच्छा ठीक है। मैं फैंस से ये कहूँगी कि आपने सीज़न वन को जितना प्यार दिया है उतना ही सीज़न वन टू को दें। हम शुरू हो रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ऑफ अप्रैल सैटरडे संडे रात को 9 बजे। कन्फ्यूज़ मत होइए, पहला वाला सीज़न 10:30 बजे था, ये वाला सीज़न 9 बजे है। कलर्स चैनल पर ज़रूर देख। Look here. Yeah, one more. Yeah, look here. Again? Please come. But look here. Yeah. Dega. Two cars. Perfect. Yeah.
Look here, yeah, everyone center. Excuse me, look here. Sir, ma'am, look here. Please. Both of you look here, please. Ma'am, madam. इधर देख रहे नहीं इधर हेलो कर इतना क्या लुक सेंटर एक मिनट प्लीज Thank you. Full team equal to yes. Okay, we go live on Facebook colors of the show where it's launching 21st, 22nd. Please tune in. Chale. एंटरटेनमेंट की रात सीज़न 1 बहुत ही ज़बरदस्त हिट था और लोगों ने बहुत पसंद किया और एंटरटेनमेंट की रात लिमिटेड एडिशन एट 9 में स्पेशल ये है कि उसमें मैं हूँ तो मैं होस्ट कर रही हूँ ये शो यानी कि सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू कर रही हूँ और बहुत सारे गेम्स भी हैं उसमें बहुत सारी मस्ती भी है और ऑफकोर्स हमारी बहुत ही प्यारी टीम है बलराज है जो पिछले सीज़न में भी आए थे जिनको लोगों ने पसंद किया हमारे साथ अभिलाष भी एक नई एंट्री है और साथ में मुबीन हैं जो हम सबको बहुत पसंद है इज़ अ फैबुलस टैलेंटेड स्टैंड अप कॉमेडियन छोटा पैकेट बड़ा धमाका द लिटिल वन दिव्यांश एंड नेहा फेंट से भी हमारी टीम को इस बार उन्होंने ज्वाइन किया है तो मेरे ख्याल से हमारी जो पूरी ये जो टीम है हर जो अपना हर इंसान है वो अपना अपना फ्लेवर लेकर आ रहा है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम कमिंग बैक टू होस्टिंग आफ्टर 3 years यू गॉट टू वॉच इट नॉट डी आई डी के बाद मैंने बहुत शोज होस्ट किए लेकिन DID सीज़न 1, 2, 3 जोर का झटका बोनवी टाकुस कॉन्टेंट सीज़न 1, 2, 3 मलिका किचन सीज़न 1, 2, 3 कॉमेडी सर्कस के तानसेन सीज़न आई डोंट नो व्हिच सीज़न वाज दैट तो मैंने बहुत सारे शोज़ होस्ट किए लेकिन चूंकि मैं भाभी जी घर पे है मैं बिज़ी थी 3 साल बिल्कुल वक्त नहीं मिलता था एक्चुअली अभी भी नहीं मिल रहा है लेकिन मुझे ये फॉर्मेट बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मैंने कभी सेलिब्रिटी चैट शो कम कॉमेडी कम गेम्स इस तरह का फॉर्मेट कभी नहीं किया था सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग बैक टू स्टेज एंड होल्डिंग द माइक मैं सीजन 2 इज स्पेशल बिकॉज आई एम देयर एंड ऑफ कोर्स वी हैव अभिलाष जो हमारी टीम में नए एडिशन हैं नेहा फेन से भी हैं वो बहुत ही अलग अलग किरदार में आएंगी सो और इस बार जो है फॉर्मेट जो है उसका जो फ्लेवर है बहुत डिफरेंट है क्योंकि हर जैसे मैं हूँ तो मैं अपने फ्लेवर के साथ आऊँगी हर इंसान अपना अपने फ्लेवर को लेकर आता है सो आई थिंक आई हैव अ फीलिंग दिस इज़ गोइंग टू बी बेटर आई एम वेरी एक्साइटेड हालांकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टू डू टू शोज़ टुगेदर बट आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज द एनर्जी एंड द पॉजिटिविटी ऑन द शो इज़ सो मच फन एंड आई स्पेसिफिकली लव कॉमेडी जॉनर तो आई एम टोटली एक्साइटेड मैं फैंस को ये मैसेज देना चाहूँगी कि यू हैव गिवन मी सो मच लव एंड एक्सेप्टेंस इन माई run on television as an anchor you gave me so much love on the fiction show that I'm doing bhabhi ji ghar pe hain and I hope that I receive double triple the love because I'm coming back as a host and I really really wish and hope that you like me thank you yeah.